तोनसा शरीफ, डेरा गाजी खान और गिर्दो नवाह के इलाकों में, साउथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालात बहुत खराब हो चुके हैं सैलाब की वजह से। साउथ पंजाब के हमारे तमाम कारकुनान पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के दीगर सियासी समाजी तंजीमात को ऑन बोर्ड लेके उन इलाकों का रुख करें, अपने अपने हैसियत के मुताबिक जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग करें। ये काम हम लोगों ने खुद ही करना है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत और अपोजिशन की जितनी बड़ी जमातें हैं वो आपस में नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। उन्हें अपने इक्तदार से गर्ज है, कोई इलेक्शन को डिले कराना चाह रहा है, कोई कहता है फटाफट कराओ। आवाम मर रही है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है, ना पिछले 75 सालों में हुआ है। और आप लोगों के इवन डेरा गाजी खान और गिर्दो नवा की जितनी लोकल लीडरशिप है, ये तो सारे जो बड़े बड़े खड़पैंच हैं सियासी, इन्होंने तो जाके रहना होता है मुल्तान में, या ये लाहौर इस्लामाबाद तशरीफ ले आते हैं, या इनमें से कुछ कराची चले जाते हैं। लिहाजा इस सिचुएशन को आवाम ने ही डील करना है। आवाम में जो जो साहिब इस्तेदात हैं आप लोग रुख करें उन इलाकों का। हालात देख रहा था तोनसा शरीफ, डेरा गाजी खान के, तो मुझे दुख इस चीज का था। लोगों का कुल असासा उनके वो जानवर होते हैं, उन्हीं का दूध बेचना होता है, उन्हीं के दूध का कोई मक्खन चकन बना के कुछ अरसे बाद वो इकट्ठा कर करके वो बेचते हैं, उसमें से किसी को एक हद को बेच के अपने बच्चों की तालीम पूरी करते हैं, या बेटियों को रुखसत करते हुए कुछ जहेज दे देते हैं। तो कुछ भी नहीं रहा उन लोगों का, अपनी जवान बेटियों के साथ बेचारे छतों पे सो रहे हैं कि घर तो सारा पानी से भरा हुआ है, और सुबह उठते हैं तो कोई एक बच्चा बेचारा नीचे गिरा हुआ होता है। कुछ भी नहीं है उनके पास, गाड़ी तो है नहीं कि कहीं पर कहीं और शिफ्ट हो जाए, और जिनकी हैं वो भीग चुकी हैं, चलने के काबिल नहीं रही। तो हुकूमत पे रिलाय ना करें ये लोग, इन्हें आप लोगों से गर्ज नहीं है। पिछले 75 सालों से हम देख चुके हैं, इन्हें नहीं पता, ना ये पूछने आएंगे कि आवाम जिंदा है या मर चुकी है। बहुत ज्यादा अगर सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो भी जाए तो ये 50 बंदे खड़े होके एक आटे का थैला आपको देंगे और उसकी 150 तस्वीरें निकाल के आवाम में वो चूरन बेचेंगे। तो कोशिश करें आवाम वहां का रुख करें इन इलाकों का, और जितना हो सकता है हमारी पार्टी की जानिब से भी, हमारे लोगों की जानिब से भी, हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग बजाय इसके कि किसी एनजीओ को पैसे दें, आप अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजें और उन्हें कहें कि आप सौदा सलफ खरीदें, बेसिक जो जरूरियात जिंदगी हैं वो खरीदें, उनकी चीजें खरीदें और जाके इन इलाकों में जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, खुद जाएं, किसी फ्रॉडिये के नरगे में नहीं आना। आप लोगों का पैसा बहुत कीमती है, इसे अपने हाथ से जाके मुस्तहिक तक दें। पाकिस्तान हमेशा